तो दोस्तों अगर आप Realme का कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल में गूगल डायलर देखने को मिल रहा है और इस डायलर को आप पुराने डायलर में यूज़ करना चाहते हैं, जो Realme का खुद का डायलर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ में Realme डायलर को आप दूसरे मोबाइल में यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है, इस गूगल डायलर के थ्रू अगर आप यहाँ पर कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग करने के दौरान आपने देखा कॉल अनाउंसमेंट का ऑप्शन देखने मिलता है, जिससे दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि उसका कॉल यहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहले Realme के मोबाइल में Realme डायलर देखने को मिल जाता था। तो Realme डायलर यहां पर इनेबल करने के लिए, यहां पर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सर्च करना है Realme डायलर। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यहां पर Realme डायलर सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको ये ओ डायलर देखने को मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप यहां पर अबाउट दिस एप्स वाले ऑप्शन में देखें तो इस पे ऑफर बाई में आप यहां पे देखिएगा तो कलर ओएस देखने मिलेगा। तो ये कंपनी का Realme कंपनी का खुद का डायलर है, जिसको आप ओप्पो के मोबाइल में Realme मोबाइल में आप यहां पे यूज कर सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो आपको Realme डायलर देखने को मिल रहा है, ये ओ डायलर के नाम से देखने को मिल रहा है, क्या आप दूसरे मोबाइल में यूज कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। मेरे पास आप देख सकते हैं ये Redmi का मोबाइल है, और इस मोबाइल में अगर प्ले स्टोर में जाता हूं, प्ले स्टोर में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Realme डायलर, तो जैसे मैं यहाँ पे Realme डायलर सर्च करूँगा तो कहीं पे भी आपको ओ डायलर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ डायलर, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ओ डायलर लिखता हूँ तो फिर भी ये एप्लीकेशन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में उसी मोबाइल में देखने मिलेगा जो मोबाइल आप यहाँ पे Realme का यूज़ कर रहे हैं, ओप्पो का यूज़ कर रहे हैं या वन प्लस का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसी में आपको ये ओ डायलर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद ये आपको डायलर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो ये डायलर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अब सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद नीचे में जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐप्स वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन फिर से मिलेगा डिफॉल्ट ऐप्स का, इस पर आपको टैप कर देना है, और टैप करने के बाद आप नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा फोन ऐप्स का, ये ऑप्शन आपका फोन पे सेट किया रहेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओ डायलर पे सेट कर देना है। ये आप यहाँ पे सेट कर लें, और सेट करने के बाद अब आप यहां पे देख सकते हैं गूगल डायलर को ओपन कीजिएगा तो गूगल डायलर आपका यहां पे ओपन नहीं होगा, पर अगर आप यहां पे Realme का डायलर या ओ डायलर को ओपन कीजिएगा तो ये आप यहां पे देख सकते हैं ये डायलर आपको इनेबल देखने मिलेगा, और इस डायलर के थ्रू आप किसी को कॉल कर सकते हैं। 123 पे कॉल करना है तो इसमें भी दोस्तों आप यहां पे कॉल कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस डायलर में आपको काफ़ी सारे सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप यहां पे देख सकते हैं, इस डायलर को ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद सबसे पहले फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा और कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे थ्री डॉट में जाइएगा तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, स्कैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, मैनेज कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, और सेटिंग वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी भी बंदे को कॉल कीजिएगा तो कॉल रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो उसको कोई भी अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा, तो ये ऑप्शन मिलेगा। और जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होता है वो आपको अपने फाइल में देखने मिलेगा, अपने फ़ोन में देखने मिलेगा, जिसको आप अपने फाइल मैनेजर में सेव करके रख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।